Thank you so much. हमारे संजय जी आपको थैंक यू फॉर और एक इसका सीडी भी दी हुई है. वी आर प्राउड ऑफ यू. हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली. हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट. प्रोफेसर मुकुल गुप्ता साहब, डिफरेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, डिफरेंट हाई सेकेंडरी स्कूल्स के जो हमारे मिसोरी सब डिस्ट्रिक्ट के हाई सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, हमारे बीडीओ महानपुर, यहाँ पे सरपंचीज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, मीडिया पर्सन्स, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब को, इनके स्टाफ मेंबर्स को, इनकी पूरी टीम को, जो इतने कम समय में, क्योंकि हम मेरे को ज्वाइनिंग हुए जुलाई में, मैंने ज्वाइनिंग डाली थी जुलाई 2017 में, तो इन्होंने आई थिंक सितंबर अक्टूबर में, सितंबर 23rd को इन्होंने ज्वाइनिंग डाली, तब भी मैं यहाँ था, क्योंकि हमारे एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब जो बड़े कीन थे इस मॉडल कॉलेज को बनाने में, तो वो हर बार हर फंक्शन में, वो जब भी उनका टूर रहता था, वो हम उनको एकॉम्पनी करते थे. मुझे याद है तब भी हम वहाँ से पैदल आए थे हाई सेकेंडरी स्कूल से, तो हमने यहाँ पे उनको, यहाँ पे फंक्शन भी था, बड़ा अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने, तो बड़े कम समय में उस वक्त काम चल रहा था, तो मैं सोचता था कि ये इतनी जल्दी कॉलेज कैसे बनेगा. इट्स वेरी टफ कि फंडिंग की प्रॉब्लम, कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स, कहीं कोऑर्डिनेशन, कहीं मटेरियल और स्टूडेंट्स की पढ़ाई, और साथ में इतनी एक्टिविटीज साथ साथ चलती हैं, तो कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे. बट चौधरी साहब से हमारी बातचीत होती रहती थी, तो वो कहते थे कि मैंने प्रिंसिपल जो लाए हैं बड़े एफिशिएंट लाए हैं, जम्मू से लाए हैं, और महानपुर और बसोली दोनों के, तो वो मेरे से बात करते थे कि ये काम जो भी मैं दूंगा ये जल्दी से करेंगे, ये हमारी फ्रिक्वेंसी के हैं, तो आप देखो कि जल्दी से जल्दी. तो हमारी बातचीत होती रहती थी कि कैसे डेवलप किया जाए और कितनी अच्छी फैसिलिटीज जो हम स्टूडेंट्स को दे पाए वो कैसे हो सकता है. तो अक्सर इनसे भी राय ली जाती थी, प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बसोली से भी, तो जो जो इनकी सजेशंस होती थी वो इनकॉर्पोरेट हम करते थे प्रोजेक्ट्स में भी, और मंत्री साहब को हम देते थे. तो चौधरी लाल सिंह जी की पर्सनल इनिशिएटिव से ये जो आज हम देख रहे हैं कॉलेज का जो नया रूप, तो ये उन्हीं की इनिशिएटिव से है. और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतने कम समय में जो इन्होंने न्यूज लेटर रिलीज कर दी, ये भी मुबारक की बात है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने प्रिंसिपल अपने डिग्री कॉलेज बसोली से हमें इन्वाइट किया था उन्होंने, तो वहां पे फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना पर्सनल इनिशिएटिव लेकर तो न्यूज लेटर रिलीज की थी, आई थिंक 8 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद. तो यहाँ पे इन्होंने पहले साल ही, जो अभी 6 महीने ही हुए हैं टेक ओवर किए हुए, तो इन्होंने रिलीज कर दी न्यूज लेटर. तो ये मैं कहता हूँ कि ये बड़ी मुबारक की बात है कि इतने एफिशिएंट, टैलेंटेड और इनोवेटिव जब एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रिंसिपल्स जब किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उसकी जो है रूपरेखा ही बदल जाती है. ये डिपेंड करता है कि हम, हमारी जो विजन, हमारा जो इनिशिएटिव, हम कितने कॉपरेट और कोऑर्डिनेट तरीके से सभी को साथ लेकर चलते हैं, तो हम एक नई चीज देते हैं हम सोसाइटी को भी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा यूथ है, हमारी सोसाइटी को ये देते हैं. दिस इज ए असेट फॉर महानपुर, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट बसोली के लिए. और दूसरी बात मुबारक देना चाहूंगा कि इन्होंने बड़ी जल्दी ही, हमारा प्रोजेक्ट था कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन एनर्जी को, ताकि जो पोल्यूशन को कैसे हम दूर करें इस पहाड़ी एरिया में, तो साइकिल्स का एक प्रोजेक्ट था जो हम बातचीत में ही, हमारी बात बात से ही एक बात बन गई. प्रिंसिपल साहब ने कहा जनाब बच्चों को साइकिल देते हैं, तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बोला कि एक आप लिस्ट बनाओ कितने स्टूडेंट्स को देते हैं, और मैंने लिस्ट बनाई. मैंने तो पूरे बसोली सब डिस्ट्रिक्ट के जितने हाई सेकेंडरी स्कूल्स थे, कॉलेज थे, मैंने सबका एक प्रोजेक्ट बनाया था कि हम सभी को देंगे,
उसमें हमने चार्ट आउट कर लिया हुआ था कि कितना एक्सपेंडिचर आएगा, कितने स्टूडेंट्स को देंगे, पर हमारी बदकिस्मती है कि वो मिनिस्टर साहब का जो और हुआ फेरबदल हुआ, उससे हमारे बाकी के प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गए, लेकिन ये इन्होंने जल्दी इनिशिएटिव लेकर वो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। थैंक यू सर, दिस इज ए ग्रेट इनिशिएटिव जो पूरी स्टेट में अभी तक कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ, दिस इज द फर्स्ट कॉलेज, और मुबारकबाद देना चाहूंगा महानपुर के वासियों को भी, तो यहाँ के बच्चों को, कि उनको ये अवेल फैसिलिटी जल्दी ही करा दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वो बहुत अच्छे क्वालिटी के साइकिल हैं, उन्होंने मुझे फोटोग्राफ दिखाई सर, बड़े क्वालिटी के और बड़े अच्छे साइकिल हैं, जो स्टूडेंट्स जो है खुश होंगे कि हमें भी कहीं किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, दिस इज द गिफ्ट। जो भी एक स्टूडेंट होगा वो जब कॉलेज में रहेगा वो अवेल करेगा फैसिलिटी, तो फिर वो जो चला जाएगा तो वो हैंड ओवर कर जाएगा दूसरे स्टूडेंट को, तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। ऐसे ही ये इनोवेटिव जो है, आगे से भी कोई भी ये प्रोजेक्ट, कोई भी ये प्रपोजल्स हमें भेजेंगे, हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ टेक अप करके उसको हम लॉन्च करें जल्दी से जल्दी, और इन्हीं के इनिशिएटिव से, इनकी टीम की इनिशिएटिव से जो बोटेनिकल गार्डन जो बनाया है, वहां प्लांटेशन भी हमने पिछली बार की थी, तो बड़े अच्छे और ट्रीज और प्लांट्स लगवाए हैं। दूसरी इनकी तब भी डिमांड थी कि यहाँ स्टेडियम के लिए मेरे पास जगह कम है, तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ स्टेडियम के लिए एक स्टेट लैंड बीडीओ साहब आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको बुलाया था ताकि वो डेवलप करें, तो स्टेडियम भी एक जो जगह है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वहाँ पे हो सके। दूसरा सीसीटीवी का आज लॉन्च हुआ, ये भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज के दिन बहुत से इन्होंने लॉन्च करवा दिए प्रोजेक्ट, दो बसेस आ रही हैं, तो ये भी एक मुबारकबाद की बात है। तो इतने कम पीरियड में, 6 महीने के पीरियड में ही आपने कॉलेज को पूरा फुल फ्लेज आपने फंक्शनल बना दिया, तो आपका शुक्रिया भी करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, आपसे रूबरू होने का, इंटरेक्शन करने का। थैंक यू वेरी मच। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हमारे यहाँ दो मेन फंक्शन हुए हैं, एक हमने अपने कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए, उसका पर्पस ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाए कि कोई अनवांटेड एक्टिविटी कॉलेज में ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को कॉलेज की या बाहर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो। तो जब ये सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हैं, बच्चों को भी एक मन में रहता है कि नहीं, वी आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड, और वो किसी भी ऐसी हरकत से पास आते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। ये समझिए इट इज़ ए प्रिवेंशन ऑफ एनी अनटॉवर्ड इंसिडेंट। एक तो ये रहा, इसमें हमने 20 स्टेट कैमराज लगाए हैं, 2 PTZ कैमराज हैं। ये PTZ कैमराज 360 डिग्री वॉल्व करते हैं, हर जगह का फोकस करते हैं, और हमारे पास 1 महीने की बैकअप रहती है, जब भी चाहे हम इनको उसका मेमोरी से हम उसको देख सकते हैं कि कब क्या हुआ, और 24/7 यहाँ पे इनकी बैकअप रहती है, कभी ये कैमरे बंद नहीं होंगे, हमेशा चलते रहेंगे। सेकेंडली आज हमारे एक न्यूज़ लेटर रिलीज हुई है, पिछले कुछ अर्से हम ट्राई कर रहे थे कि कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, हालांकि हमारा कॉलेज बड़ा छोटा है, 6 साल पुराना ही है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करा कि जो कुछ एक्टिविटीज़ हुई उनको हम कंडेंस करके, समराइज करके, आने वाले लोगों को हमें एक रिकॉर्ड दे सकें कि हमने इन छोटे इस थोड़े से टाइम में हमने क्या किया। एक न्यूज़ लेटर आज हमने रिलीज करवाई है, इसका नाम रखा है सिंह भूमि द लैंड ऑफ वॉरियर्स। इस न्यूज़ लेटर में क्या क्या रिकॉर्ड मिलेगा? इस न्यूज़ लेटर में हमारे स्टाफ का डिटेल है, जो एक्टिविटीज यहाँ रही है, जैसे लोग बच्चों ने जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, डिग्निटरीज ने जो यहाँ विजिट किया, उस सब का एक छोटा सा हमने रिकॉर्ड देने की कोशिश की। हालांकि मैं एग्री करता हूँ एक हम्बल एफर्ट है, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में इसी को डेवलप करके तो बेटर एफर्ट होंगे हमेशा। ये हमारे इसके साथ ही हमें आपको हम धन्यवाद करते हैं। जो न्यूज़ लेटर ये निकाली गई है, क्या ये प्रथम बार है कि इससे पहले भी कहीं निकाली गई है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, आज तक महानपुर कॉलेज में कभी ये न्यूज़ लेटर नहीं निकाली गई, ये फर्स्ट टाइम है कि हम यहाँ इस कॉलेज में न्यूज़ लेटर निकाल रहे हैं। और जो सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे लगाए गए हैं, क्या वो सारी ऑनलाइन है कि मेमोरी के थ्रू चल रहे हैं? हाँ, इनकी ऑनलाइन है, मेमोरी है इनकी जी, तो कभी भी हम इनकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, 1 महीने का बैकअप है, 1 महीने में हम किसी भी 22 में से किसी भी एक कैमरे के जो जिसमें जरूरत पड़े हम मेमोरी चेक करके उसको कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो।
कितने कैमरे लगाए गए हैं और क्या कॉस्ट है? 20 कैमरे लगे हैं, 20 बुलेट कैमरास हैं और 2 PTZ कैमरा है, और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैमरास, DVR, वायरिंग वगैरह वगैरह सब डाल के तो ये कोई अप्रोक्सीमेटली 7 लाख का प्रोजेक्ट था। गवर्नमेंट फंडिंग थी, 7 लाख हमने इसमें खर्चे किए।